महू कालाकुंड के बीच चल रही हेरिटेज ट्रेन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इसका शनिवार और रविवार को इसके दो फेरे बढ़ा दिए। इसके साथ ही ट्रेन में एक अतिरिक्त कोच भी लगाया गया है। अब रेलवे इसे पुराने भाव के इंजन को लगाने की तैयारी कर रहा है। छुक छुक करती ट्रेन का अनुभव देने के लिए रेलवे पुराने भाप के इंजन को दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। कालाकुंड पातालपानी हेरिटेज ट्रैक पर इस भाप के इंजन को 2 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा। इससे प्राकृतिक वादियों के बीच रोमांच का ये सफर यात्रियों के लिए और भी यादगार बनेगा। अंग्रेजों के शासनकाल का लगभग 100 बरस पुराने भाप के इंजन को सुधारा जा रहा है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत का कहना है कि बहुत जल्द ये सुविधा शुरू हो जाएगी। छुक छुक गाड़ी का लुत्फ लोग उठा सकेंगे। यात्रियों की जो मांग को देखते हुए, पर्यटकों की मांग को देखते हुए हम लोगों ने एक और डिसीजन लिया था। उसे सैटरडे और संडे हमने 2 फेरे कर दिए हैं। उसमें सैटरडे संडे को हम लोग पहला फेरा जाता है 11:05 रवाना होता है और दूसरा फेरा शाम को 4:45 रवाना होता है। तो 2 फेरे कर दिए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक उसको देख पाए हैं। तो कुल मिला के ये ट्रेन बहुत पॉपुलर है। इसमें एक और प्लानिंग चल रहा है कि जो भाप के इंजन रेलवे से लापता हो गए हैं या विदा हो चुके हैं उसको हम लोग लेके आ रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए इंडेंट कर रखा है। जैसे ही वो भाप का इंजन आता है तो जहाँ समतल सेक्शन है वहाँ पे भाप के इंजन से भी हम गाड़ी को चलाएंगे, जिससे लोग छुक छुक जो आवाज़ शुरू में सुना करते थे, बचपन में सुना करते थे, वो दोबारा सुनने को मिलेगी।